हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम जीतू है और आज की इस वीडियो में मैं कुछ लाइव ट्रेड करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये ओटीसी मार्केट है और उसमें लाइव ट्रेड आपको श्योर शॉर्ट कैसे निकालना है अगर आप करना भी चाहते हैं तो। मार्केट ने एक ऐसे पार्टिकुलर पॉइंट को छू लिया है या फिर एक जोन को छू लिया है जहाँ से कि सेलर की एंट्री होगी, तो ये कैंडल सेलिंग की ही बनेगी। बट मैं वेट कर रहा था कि ये कैंडल थोड़ी ऊपर चली जाए तो मैं वहाँ से जो है डाउन की ट्रेड प्लेस करूँ इस कैंडल की लोअर विक से, बट ओपन होते ही डायरेक्टली ये नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक अप की ट्रेड प्लेस करता सकता हूँ, बस कैंडल यहाँ तक आ जाए जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ तक आएगी तो मैं एक अप की ट्रेड प्लेस करूँगा क्योंकि मुझे डाउन की ट्रेड तो मिली नहीं और मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी। और एक मिनट के लिए जो कैंडल है इसके ये जो जहाँ पर मैंने कर्सर रखा था ये आप 62 इधर देख सकते हैं, 62 के ऊपर ही क्लोज होगी। आप लोग देखते रहना, यहाँ पर 62 है, 63 उसके ऊपर ही क्लोज होगी और हमारी ट्रेड जो है वो विन हो जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रेड है, अभी देखते हैं क्या होगा। अभी तो ये बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है, ठीक है, बट अभी भी विन हो सकती है क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रेड लगाई है तो कुछ सोच समझ के ही लगाई है। देखते हैं, अभी 4 सेकेंड हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड तो विन हो गई है जैसा कि मैंने लगाया था। थोड़ा सा वो 62 के ऊपर ना क्लोज होकर के थोड़ा सा नीचे क्लोज हुई है, बट हमारी जो ट्रेड थी वो विन हो गई है। तो कोई नहीं, हमारी ट्रेड विन होनी चाहिए। तो ये मेरी पहली ट्रेड थी जो कि विन हो गई है। तो अभी मैं यहाँ पर जो है एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से फिर से एक डाउन की ट्रेड प्लेस करता हूँ और मैंने यहाँ पर क्या देखा है, आई डोंट नो मेरी ट्रेड प्लेस हुई कि नहीं। ओके, आई डोंट नो कि मेरी ट्रेड क्यों नहीं प्लेस हो रही है। मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की बट मेरी ट्रेड प्लेस नहीं हो रही है। मैं ये जो रेड कैंडल है उसकी लोअर विक के यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना चाहता था बट आई डोंट नो कि वो ट्रेड क्यों नहीं लगी। मुझे यहाँ पर समझ ही नहीं आया कि वो ट्रेड क्यों नहीं लगी, आई डोंट नो। ओके, अगली कैंडल पर फोकस करते हैं। अभी तो यहाँ पर एक लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे इस कर्सर के ऊपर तो फिर मैं आपकी ट्रेड कर दूंगा। तो यहाँ पर एक मैं आपकी ट्रेड करता हूँ। आई डोंट नो यहाँ पर मेरी ट्रेड क्यों नहीं लग रही है। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं यहाँ पर एक डॉलर बढ़ा लेता हूँ। आई थिंक ये पेयर ही मुझे चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसमें $1 की ट्रेड लगाऊंगा फॉर चेक करने के लिए। ऐसे ही अभी इसमें लग गई है, आई थिंक उस पेयर में ही कोई दिक्कत थी। कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने एज अ टेस्ट करने के लिए इसमें लगाया है। कोई अगर ये लॉस भी हो जाती है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने चेक करने के लिए इसमें एक ट्रेड लगाई थी, वो आई थिंक पेयर ही ऑफ हो गया था। मैं $25 सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसमें ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। अगर मिलते हैं कोई शॉर्ट ट्रेड तो यहाँ पर वैसे तो ये कैंडल रेड बन जाएगी जो वाली प्रेजेंट कैंडल बन रही है, बट अगर ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर क्लोज होगी तो हमारी जो है कैंडल ये ट्रेड विन हो जाएगी। एक मिनट की, कोई नहीं, ये कैंडल रेड बनेगी तो मैं इसमें डाउन की ट्रेड लगा देता हूँ ताकि जो है ये वाली ट्रेड भी विन हो जाए। और दूसरी बात कि अगर ये छोटी सी रेड बनी तो ये वाली भी हमारी विन हो जाएगी। देखते हैं कि अभी क्या होता है क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है उसकी लिक्विडिटी उसने स्वीप कर ली है, हंट कर दी है, एक्चुअली उसने क्लोज कर दिया है। ये एक स्विंग पॉइंट था जिसके ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग की है। तो देखते हैं कि अभी हमारी दोनों ट्रेड विन होती हैं या फिर इसमें से कोई लॉस भी होती है। वैसे ये वाली लॉस हो जाएगी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको मैंने टेस्ट करने के लिए ऐसे लगाया था, चेक करने के लिए कि ट्रेड प्लेस होती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रेड है वो आई होप कि विन हो जाएगी दोनों की दोनों और अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर अभी देखोगे तो जो है अगली कैंडल बाइंग की आएगी। इन्होंने गैप डाउन किया है, ठीक है, और गैप डाउन कहाँ किया है अगर इसकी मैं ओपनिंग देखूँ तो 59 पर है क्योंकि यहाँ पर बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। और अभी एक वो कैंडल के लिए ट्राई करेंगे। अगर बायर की बॉडी अगर आप लोग देखोगे तो पहले बायर ऐसे थे और डायरेक्टली यहाँ पर सेलर कुछ इतने थे और सेलर की जो बॉडी थी वो श्रिंक हुई थी। फिर उसके बाद अभी बार ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को पढ़ना चाहो अगर तो ऐसे पढ़ सकते हो। वैसे ये वीडियो पूरी मन से मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरा जो फ्लो था ट्रेड करने का वो टूट गया था,
क्यों टूट गया था, क्योंकि मेरी ट्रेड प्लेस नहीं हो रही थी उस पेयर में। वो पेयर बहुत अच्छा था, मैंने उसको चूज़ करके रखा था। कोई नहीं, ये मेरी तीसरी ट्रेड है और मैं जो है 5 ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं कि उसमें से कितनी लॉस होती है, कितनी विन। और अभी हमारी जो फर्स्ट ट्रेड आई थिंक लॉस होगी, और लॉस तो नहीं हुई, रिफ़ंड हुई है गैप अप हो करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कैंडल पर भी मैं ट्रेड प्लेस करूँगा और मैं डाउन की ट्रेड प्लेस करूँगा। बस ये मुझे गुड एंट्री पॉइंट दे दे तो, अदरवाइज मैं इसमें अपोजिट डायरेक्शन से भी ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आने पर। ओके, तो आ जाए तो अभी मैं ये कैंडल यहाँ तक आ जाए तो मैं आपकी ट्रेड प्लेस कर दूँगा। अभी तो इसमें टाइम मुझे मिला नहीं है, तो इस कैंडल पर अवॉइड कर देंगे ट्रेड करना। देखो दोस्तों, अगर आपको ये लगता हो कि मैं वेट नहीं करता, तो ऐसी बात नहीं है। मैं भी कई बार वेट करता हूँ, मुझे ट्रेड नहीं मिलती है। तो आप लोगों को भी वेट करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट वेट करना एंड पेशेंस। अगर आप वेट नहीं करोगे तो आप अपनी साइकोलॉजी को ख़राब कर लोगे, फिर वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसकी क्लोजिंग कर्सर के ऊपर हो जाए तो अच्छी बात है। ओके, उसी के ऊपर हुई है तो यहाँ पर एक मिनट के लिए अप बनेगी, बट गैप अप हुआ है 54 पर, 54। ओके, अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये कैंडल भी ग्रीन बनेगी मुझे जो है। ओके, देखो यहाँ पर ये 45 था, ये 44 था, ठीक है। और इस कैंडल को वहीं पर बार बार रिजेक्शन मिल रहा था और उसी के ऊपर क्लोजिंग हुई है, गैप अप हुई है। तो अभी लोगों के माइंड में ये होगा कि गैप अप हुआ तो उसको ब्रेक करने के लिए हुआ है, बट यहाँ पर वो नॉलेज काम नहीं करेगी, ये ग्रीन ही बन जाएगी, मुझे पता है। ठीक है, आप लोग अपने नॉलेज से ट्रेड करते हो, मैं अपने नॉलेज से ट्रेड करता हूँ, सबका अपना अपना नॉलेज है। ओके, तो ये ट्रेड विन हो जाएगी। ठीक है, वैसे अभी हमारी एक भी ट्रेड लॉस नहीं हुई है, और अगर कोई लॉस होगी तो उसको रिकवर भी करेंगे हम। ओके, यहाँ पर 70 है, 70 पर देखते हैं, 70 के ऊपर क्लोज कर जाए तो फिर अच्छा रहेगा। ओके, उसके ऊपर ही गैप अप किया है तो एक मिनट के लिए ग्रीन बनेगी। अगर आप लोग देखोगे तो 71 पर ओपनिंग है, यहाँ पर देखना इस पॉइंट पर, और इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो 71 पर है, 71 पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसको विन होने देते हैं। ओके ओके एवरीवन, तो अभी तो ये रेड बन रही है, बट ये जो है बनेगी ग्रीन ही बनेगी, देखते हैं क्या बनती है या फिर नहीं। अगर विन हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, इसके बाद मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। अगर लॉस होगी तो रिकवर करके एंड कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो रिदम है वो टूट चुका है। जिस हिसाब से मैं वीडियो बनाना चाहता था, वो वाला पहले वाला चार्ट ही जो है क्लोज हो गया, तो ये ज़बरदस्ती की ट्रेड मैं कर रहा हूँ एक टाइप से मान सकते हो। ठीक है, देखते हैं कि अभी क्या होता है। 4 सेकेंड हैं और हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। ओके एवरीवन, 5 से 6 ट्रेड हो चुकी हैं और मार्केट भी अभी ये अच्छी नहीं दिख रही, बड़ी बड़ी वीक बन रही हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और अगर आपको फ्री में ट्रेडिंग सीखनी है तो आप इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट रहेगी, जिसमें मैंने कैंडल रिएक्शन से लेकर के अभी मार्केट मूवमेंट तक पढ़ा रखा है, और आगे भी लेक्चर आते रहेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड लर्निंग, कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय मेरे दोस्त।